एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग एक्सट्रीमली वेल। मैं हूँ डॉक्टर वंशिका सक्सेना। जैसा कि कोरोना की ऑलमोस्ट सेकेंड वेव जा चुकी है और अब लोगों में कोरोना की थर्ड वेव का खतरा बहुत ज़्यादा बना हुआ है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है दिमाग में, बहुत सारे क्वेश्चन हैं दिमाग में थर्ड वेव को लेकर। ये आएगी, नहीं आएगी, या फिर आना स्टार्ट हो चुकी है, कितनी ज़्यादा खतरनाक है, क्या जो हमारी सेकेंड वेव थी उससे भी ज़्यादा खतरनाक है ये थर्ड वेव। तो हम इन्हीं सारे क्वेश्चंस पे बात करेंगे, इन्हीं सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे। तो चलिए जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू एम्स डायरेक्टर, अगर हम रेस्पिरेटरी वायरस की बात करें तो कई सदियों से देखा जा रहा है कि जो रेस्पिरेटरी वायरस होता है वो वेव्स में ही आता है। सबसे पहले फर्स्ट वेव आती है, देन सेकेंड, देन थर्ड। 1918 में भी जब महामारी आई थी जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे, वो महामारी भी वेव्स में ही आई थी। बट अभी तक यही देखा गया है कि जो थर्ड वेव है वो आती तो है लेकिन उसमें काफ़ी कम केसेस आते हैं कंपैरेटिवली फर्स्ट एंड सेकेंड वेव। क्योंकि वायरस से कैसे बचकर रहना है, कैसे खुद का बचाव करना है, कैसे वायरस से लड़ना है, इसकी जो समझ है हमें फर्स्ट और सेकेंड वेव में अच्छी तरह से हो जाती है, तो हम थर्ड वेव तक बिना किसी गाइडेंस के अपना बचाव आराम से कर पाते हैं, जिसकी वजह से जो केसेस हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए अगर हम अब भी अपना ध्यान रखेंगे, सारे प्रिकॉशंस लेंगे, तो जो कोरोना की थर्ड वेव है उसमें भी काफ़ी कम केसेस देखने को मिलेंगे। अब अगर हम रेस्पिरेटरी वायरस की वेव्स के बारे में बात करें कि जो रेस्पिरेटरी वायरस है वो वेव्स में क्यों आता है, तो होता ऐसा है कि जब एक वेव आकर जाती है तो जो केसेस हैं वो तो कम हो जाते हैं, लेकिन जो वायरस होता है वो हमारे बीच से जाता नहीं है, वो अभी भी हमारे बीच में प्रेजेंट होता है। और केसेस कम आने की वजह से लोग क्या करते हैं, लापरवाहियां करते हैं, एहतियात बरतने में कमी करते हैं, घरों से निकल जाते हैं, मास्क नहीं लगाते हैं, सोचते हैं कि बस अभी तो हमें कुछ होने नहीं वाला क्योंकि वायरस तो जा चुका है, लेकिन उनको नहीं पता कि वायरस अभी तक हमारे बीच में प्रेजेंट है और वायरस को एक बार फिर मौका मिल जाता है स्प्रेड होने का और रिजल्ट में केसेस बढ़ने लगते हैं, जिसे हम सेकेंड या थर्ड वेव का नाम दे देते हैं। इसलिए ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि ये जो डेडली वायरस है वो हमारे बीच से पूरी तरह से जा चुका है। अगर हमें थर्ड वेव को आने से रोकना है तो अभी भी हमें जरूरत है सारे प्रिकॉशंस लेने की। क्राउडेड एरिया में जाने से बचें। अगर आप क्राउडेड एरिया में जाते हैं किसी भी वजह से या आपको हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है तो 3 लेयर मास्क का यूज जरूर करें। अदरवाइज और सारी जगह आपने सिर्फ 2 लेयर मास्क का ही यूज़ करें, वो बेस्ट रहेगा। बस कुछ जगहों को आपको ध्यान में रखना है। अगर कुछ ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आपको ज़रूरत लगती है तो बस वहीं पर 3 लेयर मास्क का यूज़ करें और सैनिटाइज़र अपने पास रखें और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें ज़रूरत पड़ने पर। और जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो लोग जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लें, और जिन लोगों ने वैक्सीन लगवा ली है वो लोग पूरी तरह से टेंशन फ्री होकर लापरवाहियां ना करें, घर से आराम से बेपरवाह होकर ना निकलें, क्योंकि किसी भी वैक्सीन की एफिकेसी 100% नहीं है। इसलिए थोड़ा केयरफुल होकर रहें। और जिन लोगों को अभी तक किसी भी वेव में इन्फेक्शन नहीं हुआ है, इन्फेक्शन उनमें नहीं फैला है, वो लोग भी ज़्यादा शेयर ना बने और अपनी इम्यूनिटी को ज़्यादा सबाशी ना दें, क्योंकि जो वायरस होता है वो म्यूटेट होकर ऐसे लोगों में ज़्यादा फैलता है जिन लोगों में पिछली बार वायरस नहीं फैला है। इसलिए स्टिल हमें अपना और अपनों का ख्याल रखना है और पॉजिटिव रहना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें और खुश रहें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू ऑल योरसेल्फ।